मोबाइल रे कथा हेबा महंगा महरग हेबो इंटरनेट व्यवहार आसंता डिसेंबर शेष किंबा जानुआरी प्रथम रु मोबाइल टारिफ 15 रु 20% बढ़ाई पारंती देशर समस्त टेलीकॉम कंपनी सेमानक कहिबा कथा टेलीकॉम कंपनी माने एबे अनेक परिमाण रो खेती सौथवारु एभली निष्पत्ति नेबा छडा अन्य कोनोसी उपाय नाही। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू बा एजीआर जरिया सरकार विपुल राजस्व आदाय करुथवारु टेलीकॉम सेक्टर गुड़िक विपुल परिमाण रो खेती सौथवा कुआ जाउची। वोडाफोन आइडिया डिसेंबर शेष किंवा जानुआरी मासरे मोबाइल टारिफ 15 रु 20% बढ़ाई पारती। भारतीय एयरटेल मध्य मोबाइल टारिफ बढ़ाइबा नै पूर्वाभास मिलची किंतु रिलायंस जियो टारिफ बढ़ाइबा नै पदक्षेप नेबा परे एयरटेल पदक्षेप नै पारे बोली अनुमान करा जाउची। सरकार एजीआर द्वारा विपुल परिमाण राजस्व आदाय करुथवारु टेलीकॉम कंपनी गुड़िक 25% पर्यंत टारिफ बढ़ाइबाकु हेबो बोली केतक कंपनी दाबी करचंती किंतु एकाथरके 25% टारिफ बढ़ाइबा संभव नुहे। एथिपाई टेलीकॉम कंपनी 2 किंबा 3 थर टारिफ बढ़ाइबाकु पदक्षेप नै परंती बोली कहवा जाउची। पूर्वरु 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनी 2019 मसिया डिसेंबर रे टारिफ बढ़ाइथिले आ 2016 रे रिलायंस जियो बाजार प्रवेश करिबा परे विभिन्न टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों को कम दाम रे सेवा जोगाई देबाकु प्रतिद्वंदिता आरंभ कर दैथिले। या परे 2019 डिसेंबर रे प्रथम थर पई टारिफ बढ़ाइथिले समस्त टेलीकॉम कंपनी। सरकार द्वारा आदाय होता एजीआर पर टेलीकॉम कंपनी गुड़िक व्यापक क्षति सहवाक पड़ुची। एजीआर आदाय कारण गत वर्ष वोडाफोन आइडिया 50,921 कोटी टंकार क्षति सही। तेबे एजीआर बकाया परिमाण सुझावाई भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भली टेलीकॉम कंपनी को 10 वर्ष समय देते सुप्रीमकोर्ट। यह राय कारण बकाया पैठ करने टेलीकॉम कंपनी किसी समय पाई 2020 सेप्टेम्बर पर्यंत भारतीय एयरटेल देशर सबुठारु अधिक रोजगार करछि। प्रति ग्राहक पिछा एयरटेल 162 टंकार राजस्व कमाई। सेबले रिलायंस जियो 145 एवं वोडाफोन आइडिया 119 टंका राजस्व आकार रे पाइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।